हमारे अब्बा को ना अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है। उन्होंने जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने बड़ी प्यार से अपनी एक करोला निकलवाई, हम बच्चों के लिए कचरा खैबर थी घर पे। अच्छा उससे पहले होता ये था कि अब्बू जो भी गाड़ी रखते थे हम ना उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बना लिया करते थे। जब अब्बू दोपहर को सोते धक्का दे गाड़ी बाहर निकाली, चक्कर वक्कर काटा, असर की अजान से पहले आके खड़ी कर दी। मगर मसला ये था कि अब अब्बू बड़े हो गए थे। अब्बू ने उस गाड़ी में इतने 36 लॉक लगवा दिए कि खोलते खोलते असर हो जाए। अच्छा मसला ये था कि गाड़ी मिल भी नहीं रही थी, लोग ताने वाने भी दे रहे थे, जिसम टूट रहा था। एक नब्बा ऑफिस से आ रहे थे वापस, एक बाइक वाले ने चुम्मी ले ली हल्की सी साइड पे गाड़ी, इतना सा डॉट पड़ा उसको देखने के लिए भी ना, वो जिसम तल ढीला करें बैठे सामने तो इन लाइन हो, फिर ओ यस ये था ये हाँ। अब हुआ ये कि अब्बा ने डेंटर पेंटर घर पे बुला लिया, एस्टिमेट लगना शुरू हो गया। उसने कहा हाँ भाई 8-10 हज़ार रुपया काम है ये। अब्बा अपनी किस फ्रेम ऑफ माइंड में चल लेते हैं, कहेंगे बात सुनो तुम इसके साथ गाड़ी लेके चले आओ। मेरी तो लाइफ बन गई ना, मैंने ग्लासेस निकाली सिगरेट के यहाँ पे, गानों की USB, मैकेनिक को पीछे, गाड़ी शारा पे जा रही है, टक टक दिचिक दिचिक दिचिक, गाने वाने चल रहे हैं, माहौल बना हुआ है, सब सही चल रहा था, सब सही था बिल्कुल। पता नहीं कहाँ से सर्विस लेन से एक ऑल्टो वाला निकला और पिछला पूरा दरवाज़ा दबाता हुआ चले गया। मैं गाड़ी रोक के नीचे उतरा, मैंने देखा दरवाज़ा, पहला ख्याल तो यह है घर छोड़ के भाग जाओ। अच्छा मैकेनिक भी गाड़ी छाने थे, उनको भी समझ आ चुकी थी कि जब उनके अब्बा एक डॉट के 8-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, इसके लिए तो घर के कागज़ ले आएंगे। अच्छा दरवाज़ा वरवाज़ा उतरा, उसके वो रगड़ाई हो रही है, डेंट वेंट निकल रहे हैं, अब ब्लैक दरवाज़ा सफ़ेद हो चुका था। उसने मुझे कहा बात सुनिए, अब तो शाम हो चुकी है, इस पर पेंट हो नहीं सकता, आप एक काम करिए दरवाज़ा लगा देता हूँ, आप घर चले जाएँ। मैंने कहा बेटा मैं इस गाड़ी के साथ घर गया ना तो कल मैं लाशा आएगा यहाँ पे। अच्छा अब हो ही रहा था कि अब काफ़ी टाइम हो चुका था, सुबह से अब्बू ने गाड़ी को, गाड़ी ने अब्बू को, दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, क्योंकि अब्बू का एहतियात का आलम यह चल रहा था कि उनका बस नहीं चलता था कि वो एक रस्सी बम्पर के साथ और एक अपने पाँव के साथ बांध लें, गाड़ी हिले और अब्बू को पता चल जाए। खैर अब्बा का फ़ोन आया, कहेंगे भाई मैं आ रहा हूँ दूसरी गाड़ी लेके, तुम घर चले जाना। मैं कहा देखें आप जहाँ हैं वहीं रहें, कोई आने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी पे काम चल रहा है। कहेंगे बेटा मैं निकल चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ, पहुँचा अब्बा। अब्बा आए, अच्छा मैं जल्दी जल्दी हड़ाउड़ी में उन सबको कोई जो कवर स्टोरी दे सकता था जल्दी में मैं दी गए, खड़ी गाड़ी में कोई मार के चले गया, यही हो सकता था जल्दी में। भाई अब्बा आए, मेरे लिए लेस भी लाए थे, जूस भी लाए थे, मैं जल्दी जल्दी सामान ले लिया। और अच्छा हमने एक मुर्दा कोशिश भी की थी, हमने गाड़ी को आधा अंधेरे में लगाया था, अब बना हुआ हिस्सा लाइट में था और जो मतलब के तबाह हुआ हुआ हिस्सा था वो पीछे था। ये एक मुर्दा एफर्ट थी कुछ सेकंड्स बाय करने के लिए, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं आ रहा था। खैर अब्बा आए, मैंने उनसे सामान लिया, जल्दी जल्दी गले में डाल लिया क्योंकि मुझे पता है थोड़ी बाद ये उंगलियाँ डाल के अंदर से बाहर निकलवा लेंगे। अच्छा अब्बा के ना दिमाग में वो डॉट जो था ना बैठ चुका था, वो उन्होंने यूँ सामान दिया, ठक डॉट पे पहुँचे, गाड़ी को देखा कि हाँ तो बन गया। जैसे उनकी नज़र पीछे पड़ी यहाँ पे तो कोई खाली वो दरवाज़ा लगा हुआ ही नहीं था वहाँ पे, मैं दरवाज़ा लगाए। ये सुनते ही मैकेनिक की पैक हो गई, उन्होंने सारी बल्ली मुझ पर डाल दी कि सर ये गाड़ी वाड़ी चला रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और फुल म्यूजिक चल रहा था गाड़ी में, मैं तो बोल ही रहा था, लग गई गाड़ी।